They are trying to not investigate, they are trying to pave a way for not investigation into the matter. And they are trying to send out a message of weakness to the women of Pakistan. Mr. Speaker, मैंने शाह महमूद कुरैशी की कभी बात नहीं की, आपने मुझे सुना होगा। मैंने जहांगीर तरीन की भी कभी बात नहीं की। वो हमेशा अपने जलसों में जी, जलसों धरनों में कहते हैं मेरी बेटियां मेरी बहनें, इमरान नियाजी कहती है मेरी खवातीन। तो इमरान नियाजी के ये कहने के बाद भी हमारे मर्द उनके धरनों में जलसों में खवातीन को लेकर आते, उन्होंने हमारे मर्दों को हिजड़ा समझ रखा है इमरान नियाजी ने। और फिर वो कहते हैं ये तमाम मेरी खवातीन कहने के बाद भी हमारे लोग अब उनके धर्म में उनके जलसों में खवातीन को लेकर आते हैं जी। दूसरी जी, बात बिल, नहीं बिल पे आ जाएं। दूसरी बात नहीं डॉक्टर साहब, पहले डॉक्टर शाह साहब जब फिर कर रही कहते हैं जी, फिर जी, वो अनाउंस करते हैं कि मैं इलेक्शन के बाद शादी करूंगा जी। मैंने पहली दफा जमहूरियत में जी, मैंने पहली दफा जमहूरियत में इलेक्शन स्टंट को शादी को इलेक्शन स्टंट के तौर पर देखा कि शादी को भी इलेक्शन स्टंट कहा जाता है। थैंक यू मैं स्पीकर साहब मुझे अगर जी बस आपको माइक जी थैंक यू तशरीफ रखिए जी जी उस पे जी माइक खोलिए जी आयशा गुलाले जी, जी एक और जी, बात जी, एक और बात इस बिल पे बात कर लें जी बिल पे बात मैं डेमोक्रेसी के ऊपर बात कर रही हूँ बिल पे बात कर लें मैं डेमोक्रेसी के ऊपर आ रही हूँ जी। देखिये एक और बात, एक मीडिया पे मैं सुन रही थी मोनिका लेविंस्की का केस मेरे साथ मिलाया जा रहा था। मैंने कहा It is a shameful act to draw analogy between Monica Lewinsky case thank you very much, and जी. between the case of Daughters of Pakistan. जी thank you very much. जी शुक्रिया जी. डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब जी, डॉक्टर जी लास्ट मिनट जी आशा गुलाले बिल पे बात कर लें। मेरा केस गैर मुनासिब पैगाम तक महदूद है और मैं खवातीन की डिग्निटी के लिए खड़ी हूँ। मोनिका लेविंस्की का केस अगर आप देखें तो इमरान नियाजी इज नो बिल क्लिंटन, ना वो प्रेसिडेंट है इस मुल्क के, ना वो प्राइम मिनिस्टर है, ना कभी वो बन सकते हैं। ठीक। दूसरी बात के थैंक यू दूसरी बात जी बिल पे बात करें बंद कर जी। मैं बिल पे आ रही हूँ जी। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब दूसरी बात यह है की डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब जी बहुत शुक्रिया।